24 घंटे में अपराध की घटनाओं से एक बार फिर से बिहार हिल गया है। सूबे के अलग अलग हिस्सों से अपराध की बड़ी घटनाएं सामने आई और तो और राजधानी पटना में भी अपराधियों ने कोहराम मचाया है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से अपराधों की तस्वीरें सामने आई हैं, साथ ही हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर आप देखिए नवादा की है, जहां पर दो पक्षों में ये मारपीट देखने को मिली है। दूसरी तस्वीर मधुबनी की हम दिखा रहे हैं कि यहां पर भी खूनी खेल देखने को मिला, जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई है। तीसरी तस्वीर आप पटना की देख सकते हैं, जहां पर युवक को गोली मार दी गई है। साथ ही चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर की, यहां पर भी क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ, सड़क किनारे शव मिला है जिससे सनसनी फैल गई है। बाढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पांचवी तस्वीर में आप देखिए कि युवक की यहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक अपने ससुराल आया हुआ था, जिस दौरान उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही बगहा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बगहा में भी पति की पीट कर हत्या की गई है। और साथ ही नालंदा की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, ठेकेदार की यहां पर हत्या कर दी गई है। और बेतिया की तस्वीर, बेतिया में भी खेत में महिला का शव मिला है जिससे सनसनी फैल गई। खबर बिहार के नवादा से है, जहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद के बाद मारपीट में एक पक्ष के सात लोग जख्मी हो गए। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के ईसरी गांव की है। बताया जा रहा है कि मामला हंसी मजाक से शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। इसके बाद लाठी डंडे के साथ गड़ासे से प्रहार किया गया, जिसमें महिला समेत कुल सात लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झड़प के बाद मुफसिल थाना को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी फरार हो गए। सब लाठी पहना गड़ासा से मार किया। कारण क्या था? कारण यही था, वो पियल था। अगला आदमी पियल था, हमसे तो ऐसा ही मजाक से कर रहा था। मेरा बहनों है, उससे मजाक हमसे कर रहे थे। अगला लगा ना कि हमरा गाड़ी दे रहा है। दानापुर के शाहपुर में होली का त्यौहार उस समय रंजित हो गया जब बच्चों के विवाद में नीतीश आहार गांव में दो पक्षों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य जख्मी शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के बाद पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि गाँव के बच्चे आपस में खेल रहे थे, इसी दौरान बच्चों के बीच में आपसी विवाद शुरू हो गया। इस विवाद को लेकर परिजन लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी शुरू हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और साथ ही तनाव की हालत बनी हुई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पारिवारिक विवाद, दो बच्चों के बीच लड़ाई को लेकर के बात आगे बढ़ी, जिसमें गोलीबारी की घटना दोनों तरफ से हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और एक व्यक्ति की मृत्यु इलाज के क्रम में पीएमसीएच में हो गई है। दो व्यक्ति जख्मी हैं, जिसका इलाज पटना हाईटेक अस्पताल में चल रहा है। नीतीश आहार पर आदमी है, वो बुला के ले गया उसको 6:30 बजे करीब, ले गया और विवाद सब आपसी में विवाद था, ऐसा समझौता कर गया, इसी बीच उसकी घटना घटा। मधुबनी में जमीन विवाद में तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। मामला बेनीपट्टी के मेहमतपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि होली के दिन गांव में दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में 12 राउंड से ज्यादा गोलियां चली हैं और इस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को दरभंगा के DMCH रेफर कर दिया गया है। साथ ही गाँव में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है और इस गोलीबारी में जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF का गठन किया गया है। आपको बता दें कि चार लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो जमीन विवाद में यह हिंसक झड़प देखने को मिली है। हालांकि तीन लोगों की हालत गंभीर है, गोली लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF का गठन भी हो गया है और साथ ही चार लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। यहाँ स्थानीय विवाद को लेकर के खास करके पोखर मछली मारने का पूर्व विवाद था और कुछ वर्चस्व के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 8 राउंड फायरिंग हुआ है। जी, दो व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, एक व्यक्ति अभी पारस में, इसमें क्रिटिकल कंडीशन में है।
राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बुलेट सवार को गोली मार दी और साथ ही फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक विकास होली मनाने के लिए रिश्तेदार के घर जा रहा था, जिस दौरान उसे बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। समस्तीपुर में एक युवक की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है। युवक जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। मृतक के परिजनों ने युवक की पीठ पीट कर हत्या का आरोप भी लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के पगड़ा गाँव का है। तो पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच भी कर रही है। समस्तीपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पगड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस सीधे तौर पर संदेहास्पद हालत में मौत हुई है, तो जानकारी जुटाने में पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो इलाज के दौरान अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया है। भोला भैया कहाँ तुम कलिए नहीं छथिन, तब वहाँ से चल गए दांत निकाले तो चल गए अर्जुन से हमारा दूरा पर से, आ तब गए हैं तब वहाँ ताले उन्ने पहुँचलखिन हन, तब मारलक हन दूरा पर। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी हत्या और लूट जैसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के रायपुरा स्थित लच्छू बीघा गांव का है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पटना सिटी में रहने वाला युवक होली में अपने घर आया हुआ था, जहाँ उसने पड़ोसी उसे घर से बुलाकर ले गए थे और किसी विवाद में उसकी हत्या हो गई। घटना के बाद उसके पड़ोसी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके हत्यारों की तलाश में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। हम गए तो देखते हैं कि गोली लगा हुआ, तो हम देखे उसका देह पकड़ के तो नहीं था, थोड़ा बहुत हल्का था, ले जीते इन्हें मारने जीते जीते उसको मौत हो गई। बाढ़ थाना क्षेत्र के दाहौर ताल इलाके में एक युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है। मृतक की पहचान पटना सिटी क्षेत्र के मिर्ची गांव निवासी युवक संजीव चौधरी के रूप में हुई है। बताया भी जा रहा है कि युवक शाह सलेमपुर स्थित अपने ससुराल आया हुआ था। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बघा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां नशेड़ी पति ने खून की होली खेली। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर नशे में धुत पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की। इतनी बहरहमी से पिटाई की गई कि महिला की जान चली गई। वारदात के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के जीतपुर गाँव की। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, नालंदा से बड़ी जानकारी, जहां पर बिंद थाना क्षेत्र की एक खबर है, जहां जक्की गांव में अपराधियों ने ठेकेदार की पीट पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पास 20,000 रुपया था, जिसकी भनक कुछ अपराधियों को लग गई। अपराधियों ने ठेकेदार को किसी बहाने से साथ ले जाकर उसे शराब पिलाई और साथ ही उसके बाद लाठी डंडों से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने शव को गाँव से थोड़ी ही दूर खेतों की तरफ फेंक दिया। मृत ठेकेदार के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए हैं। ग्रामीण अधिकारियों के बुलाने की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही मुआवजे को लेकर शव को उठाने नहीं दे रहे। तो नालंदा का ये पूरा मामला है, लूट के दौरान ठेकेदार की हत्या की गई है। फोन आया तो हम गए तो 7 बजे से खोजने लगे तो मिले नहीं। गए 3-4 बजे लड़का उसको मैदान लग गया तो देखे वो निकाल रहा था। कारण क्या हत्या का बता, सर हत्या है या कुछ और कारण है? नहीं हत्या है, उनको हत्या किया गया है कि पिला खिला के पैसा के लालच को तो उधर ले जाके मार दिया गया। क्या इनको पहले से दुश्मनी भी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं।
बेतिया में महिला का शव संदिग्ध हालत में खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला मझौलिया थाने के गद्दी टोला का है, जहां ग्रामीणों ने महिला का शव खेत में होने की सूचना पुलिस को दी है। महिला की पहचान मेहरून निशा के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक वो कल रात से लापता थी। महिला के दो बच्चे हैं, पति बाहर काम करता है। आपको बता दें कि शव पर जख्म के निशान पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। तो कहते हमारा अम्मी घर चाची नहीं के केन गल भी तो हम अपनी बड़ी बड़ी गल हो था लगल सवेरे सवेरे लोग भाले कैल खन तब हमनी के खोजारी कैनी है। बक्सर में होली की शाम दो गुटों में विवाद हो गया। घटना मुफसिल थाना इलाके के बलीरामपुर गांव की है, जहां पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कहासुनी से शुरू हुई विवाद लाठी डंडों तक पहुंच गया। आपको बता दें कि झड़प में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कह रही है। एक पक्ष का दूसरे पक्ष से या फिर एक पड़ोस का दूसरे पड़ोस से या जो भी हो, ठीक है। इस पर टोटल 22 पर्संस हैं, पर्संस बोल रहा हूँ मैं, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, सब बोथ। उसमें से चार या पांच हायर सेंटर पे हमने डाला है, रेफर किया है, और सीवियर इंजरी में भी हैं तीन केसेस, जिनको हेमेटोमा हुआ है इंजरी स्कैल्प पे, करीबन 6 लोगों को हुआ है, टाका पड़ा है सबको। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र के टारसन गांव में देर रात बच्चों के विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। हालांकि देर रात पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और दो लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि आज सुबह फिर से विवाद शुरू हो गया। दर्जन भर बच्चे, नौजवान, अन्य लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर एक पक्ष के घर पर धावा बोल दिया। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो विवाद है वो देखने को मिला। और छपरा के पानापुर थाना परिसर में उस समय अजीबोगरीब हालात बन गए जब थाने से पुलिस को चकमा देकर एक युवक भागने लगा। हालांकि युवक को भागते देख उसके पीछे कई पुलिस के जवान भी दौड़े और पीछा करके उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवक की बुरी तरीके से पिटाई करते हुए उसे थाने लाया गया। पुलिस के इस अमानवीय रवैये को जिसने भी देखा वही हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब कांड के नामजद आरोपी भोरहा गांव निवासी गुड्डू सिंह को गिरफ्तार करके थाने की हाजत में बंद कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार का युवक थाने आया था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसी के बाद वहां पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। इसी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मानवता को शर्मसार करने वाली कार्रवाई की। चलिए अब रुक करेंगे, भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस थाने में एक शख्स की पिटाई की मौत की जानकारी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। नाराज लोगों ने थाने को घेर लिया। लोगों के गुस्से को देखकर थानेदार मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि होली खेलने के दौरान मामूली विवाद के बाद बांका में लिपिक पद पर तैनात शख्स को पुलिस ने पकड़ा था। घटना बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले की है। मौके पर पुलिस के कई वरीय अधिकारी पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गए। तो आपको बता दें कि फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस हिरासत में शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो नाराज लोगों ने थाने का घेराव भी कर दिया। लोगों के हंगामे के बाद थानेदार फरार हो गया। नालंदा में होली के दौरान बीती रात नगर नौसा थाना इलाके के नगमा गांव में डीजे तोड़े जाने से कुछ लोग नाराज हो गए और एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को इतना पीटा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर गांव के युवकों ने डीजे मंगवाया था और सभी लोग डांस कर रहे थे। उसी दौरान रविकांत नाम के युवक की मोबाइल गुम हो गया, जिसे वो ढूंढने लगा। गुस्से में आकर उसने डीजे के साउंड बॉक्स की तार को तोड़ दिया और इसके बाद 10-15 लड़के रविकांत पर टूट पड़े और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलते ही नगर नौसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया। डीजे बंद करा दिया है, नहीं बजने दिया। इस पे सब लड़का गर्म हो गया, इतने लड़का थे वहाँ पे कि कौन बंद करने वाला। ये पूरा हिम्मत करके बोल दिया है कि सबको हो गया था हल्का फुल्का, अब नहीं देगा बजने। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।